नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान सिर्फ दाल सब्जी और दवाइयों के लिए नहीं तरस रहा है, बल्कि उसका फिल्म उद्योग और टीवी इंडस्ट्री भी तबाही के कगार पर पहुंच गई है। अपने फिल्म और टीवी उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान फिर से भारतीय टीवी चैनल और बॉलीवुड फिल्मों को देश में दिखाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान में मंथन जारी है। आपको बता दें कि साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज साकिब निसार ने सरकार से भारतीय चैनल और फिल्मों को पाकिस्तान में बैन करने को कहा था, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान में भारतीय फिल्में और तमाम टीवी प्रोग्राम प्रतिबंधित कर दिए गए थे। पाकिस्तान ने जोश में आकर यह निर्णय ले तो लिया, मगर अब उसकी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म उद्योग बेहद बुरे दौर में पहुंच गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय फिल्में और चैनल बंद होने से जहां सिनेमा थिएटर बंद हो रहे हैं, वहीं टेलीविजन की बिक्री भी 30% गिर गई है। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले साल तुर्की सीरियल एर्तागुल को टेलीकास्ट करके टीवी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की थी, मगर पाकिस्तानियों पर भारतीय सीरियल और फिल्मों का जादू सिर चढ़कर बोलता है। तुर्की की धूर्त मुल्ला स्टोरी पाकिस्तानियों पर कोई करिश्मा नहीं कर सकी। पाकिस्तान में भारतीय सीरियल्स की लोकप्रियता का अंदाज ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के छोटे टोपीबाजों को माँ भारत और रामायण पूरी तरह याद है। वे उनके पात्रों के नाम से पूरी तरह वाकिफ है। मोटू पतलू छोटा भीम जैसे कार्टून शो ने पाकिस्तान में लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2019 से पहले एक दौर ऐसा भी था जब छोटे टोपीबाज निंजा हथौड़ी और छोटा भीम बनकर खेला करते थे। यानी पाकिस्तान के इस्लाम पर भारतीय संस्कृति बहुत हद तक हावी हो गई थी, जबकि बॉलीवुड की फिल्में रिलीज के साथ ही पाकिस्तान के 60% स्क्रीन पर कब्जा कर लेती थी। इससे पाकिस्तान के थिएटर मालिक और एडवर्टाइजर्स भारी मुनाफा कमा रहे थे। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग की कमाई का 70% हिस्सा भारतीय फिल्मों से आता था, मगर भारतीय फिल्में और टीवी चैनल पूरी तरह बैन हो जाने से अब फिल्म इंडस्ट्री को बचाए रखना मुश्किल हो रहा है। वह फिर से 90 के दशक में पहुंच गई है और बीते वक्त के साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि मदरसा मुल्क में कुल 120 थिएटर हैं। यहाँ एक फिल्म करीब 2 हफ्ते तक सिनेमा घरों में टिकी रहती है। इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को करीब 26 नई फिल्मों की जरूरत पड़ती है, लेकिन पिछले 2 साल से पाकिस्तान 6 से 10 फिल्में ही बना रहा है। पाकिस्तानी दर्शक भी वहां की फिल्मों से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह भी है कि तकनीकी रूप से भारतीय फिल्में ज्यादा उन्नत होती है, साथ ही उनकी जबरदस्त कथा पटकथा और गीत संगीत भी प्रभावशाली रहता है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के हीरो की बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है। मेरे दिमाग में सबसे पहले तो शाहरुख खान आता है बॉलीवुड का नाम सुन के, क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है और मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। तो आप बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर है वो टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ आपको क्यों पसंद है? एक्शन की वजह से, उसकी मतलब बहुत एक्शन होता है उसकी मूवीज में और वो रियल सीन करता है। शाहरुख खान बहुत पसंद है? बहुत, बचपन से। रणबीर कपूर? अच्छा, उसकी कोई खास वजह? ही सो हैंडसम, बहुत प्यारा है वो, बहुत हॉट है। एक्टिंग स्किल्स उसके मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री भी जो है वो आइडलाइज करती है अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान को, तो इसीलिए। तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ऑलवेज बेबो करीना कपूर खान। अच्छा, क्यों, इसकी कोई खास वजह? शी इज सो अमेजिंग, मतलब मैरिड हो गए, मतलब शादी हो गई है उसकी, बेटा है उसका, बट शी इज ऑसम एज ऑलवेज। अभी भी वो फिट है, जिम जाती है, शी इज ऑन फायर। करीना कपूर, उसकी कोई खास वजह? वो प्यारी लगती है मुझे। दीपिका, आपने बहुत सोच समझ के बताया। पाकिस्तान में फिल्माजिया चैनल भारतीय सोच का प्रसारण करता है। मदरसा मुल्क में कुल 190 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं और 4983 केबल ऑपरेटर्स हैं। इनमें से 34 टीवी चैनल ही ज्यादा लोकप्रिय रह गए हैं। इसके अलावा मदरसा मुल्क में 210 FM रेडियो भी मौजूद है, परंतु भारतीय गानों पर रोक की वजह से ये FM भी पानी पी पी कर चल रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जरूर दूरदर्शक की ओर बढ़ रही है, मगर पाकिस्तानी सरकार मदरसा पैदाइश को भारतीय प्रोग्राम देखने से नहीं रोक पाई है। जाहिल जमात ने YouTube और Netflix जैसे कई माध्यम से बॉलीवुड मूवी और टीवी प्रोग्राम देखने का रास्ता खोज लिया है। इस माध्यम को बंद कराना पामेरा या इमरान लोडे के बूते की बात नहीं है। सिनेमा चैन, सिनेपैक्स और थिएटर मालिकों के कई ग्रुप इमरान सरकार से अपनी रोजी रोटी के लिए भारतीय फिल्मों से बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के थिएटर पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना वायरस के चलते वे बंद पड़े हुए हैं। ऊपर से मदरसा मुल्क में ढंग की फिल्में नहीं होने के कारण उनके आगे संभलने की उम्मीद भी नहीं रही है।
पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से ज्यादा थिएटर मालिकों ने अपने थिएटर्स को कोल्ड स्टोरेज और मैरिज हॉल में बदल दिया है, जबकि कई अन्य उन्हें गोदामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी बचे थिएटर्स ओनर्स सरकार से भारतीय फिल्मों से प्रतिबंध हटाने की फरियाद करने में लगे हैं। उधर फिल्माजिया चैनल और केबल ऑपरेटर भी पाक सरकार से भारतीय टीवी प्रोग्राम को फिर से देश में लाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि इस स्थिति को ज्यादा दिन बनाकर नहीं रखा जा सकता है। मामला लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री के साथ उससे जुड़े लाखों लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। खास बात यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले मनोरंजन कर में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली है। इस उद्योग से आने वाला राजस्व 64% तक नीचे गिर गया है। पाकिस्तान के जनरल और क्षेत्रीय एंटरटेनमेंट चैनल, जिनकी संख्या 29 के करीब है, आज घाटे का सामना कर रहे हैं। भारतीय गानों पर बैन की वजह से 11 म्यूजिक चैनल भी विज्ञापनों के लिए तरस रहे हैं। यानी पाकिस्तान के जोश में लिए फैसले की कीमत मदरसा पैदाइश को चुकानी पड़ रही है। कहने वाले सही कहते हैं कि कमजोर से देवतेमंद फड़ बर्ताव करता है, जबकि ताकतवर बस उसकी हरकतों का आनंद लेता रहता है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी उछल कूद दिखाई और अपने तेमंद फाड़कर रोशनदान बना दिए। अब थिएटर मालिकों के बढ़ते दबाव ने उसके माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। ऊपर से कंगाल पाकिस्तान में घटता राजस्व उसे भारतीय फिल्मों और टीवी चैनल दिखाने को मजबूर कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस मुद्दे को भारत से शांति की पेशकश से जोड़कर कूटनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए भारत को इन जाहिलों की चाल को भांपकर सावधानी से फैसला लेना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा इस प्रतिबंध को हटाने से सिर्फ उसे ही फायदा मिलेगा, इससे भारतीय फिल्म उद्योग और टेलीविजन इंडस्ट्री को भी भारी लाभ हासिल होता है। यही कारण है कि भारत में रिलीज होने वाली फिल्म साथ में मदरसा मुल्क में भी रिलीज की जाती है। यहां लगने वाली ज्यादातर फिल्में हाउसफुल जाती है, जिससे निर्माताओं को अच्छा खासा लाभ मिलता है। भारत ने लॉकडाउन के दौरान महाभारत और रामायण का प्रसारण करके लोगों को बाध्य रखा था। ये सीरियल पाकिस्तान में भी उतने ही लोकप्रिय है। ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान द्वारा अपना बैन वापस लेने के बाद छोटा भीम मोटू पतलू के अलावा यह टीवी सीरियल भी प्रसारित किए जा सकते हैं। यूं भी पाकिस्तानी दर्शक पहले भी इन कार्यक्रमों को देखने की फरमाइश फिल्माजिया चैनल से करते रहे हैं। अब इमरान सरकार के पास ज्यादा नान नुकुर का वक्त नहीं बचा है। जानकार भी मानते हैं कि अगले कुछ महीनों के भीतर पाकिस्तान इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय ले सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।